देखिए, झारखंड जो शहीदों का सपना था, अबू अदिसम अबू राज, बिरसा मुंडा और सिद्धू मुर्मू अंग्रेजों से लड़े और ये राज बना है। तो राज बनने से अभी 22 साल हो गए। यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार हावी है, लूट और झूठ का तंत्र चल रहा है। और आदिवासियों के लिए तो ये जगह बचने की जगह मरने का मरघट हो गया है। इसके लिए शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और JMM पार्टी हम लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा दोषी हैं। अभी अभी इन लोगों ने डोमिसाइल की बात की, 32 का खतियान लागू करेंगे, 77% आरक्षण देंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे नियोजन। तो 32 का खतियान भी झुनझुना साबित हो रहा है। 77% आरक्षण तो खुद सरकार ने अभी बोल दिया कि नगर निकाय चुनाव में लागू नहीं होगा। तो ये झूठ का झुनझुना लोगों को थमा रहे हैं। इसके अलावे आदिवासी समाज के साथ JMM पार्टी सबसे ज़्यादा छलावा किया है अभी तक। सबसे ज़्यादा वोट तो आदिवासी का ही लिया और उन्हीं को सबसे ज़्यादा ठगा है। जमीन लुटाने के मामले पर CNT SPT कानून यहाँ है, लेकिन शिबू सोरेन ने पहले 1996 में कानून तोड़ा, अभी हेमंत सोरेन ने 2021 में कानून तोड़ा। संताली भाषा झारखंड में राजभाषा बनना चाहिए। देश में यही एकमात्र बड़ी आदिवासी भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। उस मामले पर भी इनका कुछ करना नहीं, विरोध करते हैं। सरना धर्म कोड की जगह इन्होंने प्रस्ताव पास किया, सरना आदिवासी धर्म कोड, बिना राज्यपाल के सहमति और सिग्नेचर के दिल्ली भेज दिया। उसके बाद कहा था कि दिल्ली में हम लोग अमित शाह से मिलेंगे, जाति जनगणना के साथ साथ सरना धर्म पर भी बात करेंगे, वो भी नहीं किया। उसके बाद रोज विस्थापन पलायन होना है तो धर्म का सवाल, भाषा का सवाल, नौकरी का सवाल, डोमिसाइल का सवाल, CNT SPT की सवाल, सभी सवाल में JMM पार्टी ने आदिवासी को धोखा दिया। उसके बाद आदिवासी समाज में, गांव समाज में उनका जो स्वशासन व्यवस्था है और उनके बीच में नशापन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, वोट खरीद बिक्री, हणिया दारू चखना में आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, और हर एक गांव में आदिवासी चीफ 10 माने आदिवासियों का एक मुखिया होता है मांझी हड़म, वो लोग चूँकि सबके द्वारा नहीं चुने जाते हैं तो अधिकांश 99% लोग मूर्ख होते हैं, माने अनपढ़ होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून कुछ नहीं समझते हैं, डाइन के नाम से रोज एक दूसरे को मारते हैं। तो गुरुजी को 40 साल मौका मिला, 22 साल में पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने और हमेशा विरोधी दल का नेता भी बनते रहे, तो कुछ नहीं किया आदिवासी का सिवाय झुनझुना थमाने का। तो इसलिए मेरा स्टेटमेंट है कि आदिवासी का माने ये सोरेन खानदान जो है अभी सब तरफ से घिर गया है। इनके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप, आय से ज़्यादा आमदनी का आरोप, उसके अलावा आदिवासियों के साथ धोखा करने का आरोप, बल्कि ये तो सिद्ध बात है। तो जब तक सोरेन खानदान का पतन नहीं होगा, आदिवासी का उत्थान संभव नहीं है। JMM का विकल्प क्या है? हाँ, JMM के विकल्प के रूप में अभी हम आदिवासी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि JMM के साथ कांग्रेस भी लग गया है, लालू जी भी लग गए हैं, RJD मेरी लास्ट पर झारखंड बनेगा कहा था, और अभी नीतीश जी भी लग गए हैं। तो विकल्प में दो ही पार्टियां हैं, BJP और AJSU। AJSU तो छोटी सी पार्टी है, तो विकल्प में केवल BJP पार्टी है। हाल में हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से दिल्ली में 26 अगस्त 2022 को मिले अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, चूँकि वो हमारे गाँव से अब संबंधी भी है, तो उनसे इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और बात घूम फिर के यहीं आई कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस पर सहयोग लेना पड़ेगा। और हम अभी खुल के आपसे बात करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मिलने के मेरे प्रयास जारी हैं। उनसे मिलेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपने महान काम किया द्रौपदी मुर्मू जी को देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद देकर, तो हम आदिवासी चाहेंगे कि हमको सरना धर्म कोड दिया जाए, आप दे सकते हैं, क्योंकि 2011 साल में करीब 50 लाख लोग सरना धर्म कोड आदिवासी लिखे थे, उससे भी कम जैन और बौद्ध हैं, जब उनको मान्यता है तो इसमें हमको भी सरना धर्म दीजिए, नहीं देंगे तो फिर हमको 30 नवंबर 2022 को रेल रोड चक्का जाम 5 राज्य में हमने घोषणा किया हुआ है। किन किन राज्यों में होगा? झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में। तो मुझे अभी ये उम्मीद है JMM और बाकी लोगों से आदिवासियों को बचाने के लिए हम BJP और नरेंद्र मोदी जी को कन्विंस करेंगे कि आप शायद ज़रूर चाहते होंगे कि झारखंड, बंगाल और बिहार
ये तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तीन राज्यों में द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से संथाल आदिवासी आबादी बहुत ज़्यादा है, बाकी आदिवासी भी हैं, तो सारे लोग आपको वोट दे सकते हैं यदि आप आदिवासियों के जो मूलभूत डिमांड्स हैं उसको पूरा करेंगे। और मैं उनसे ये भी कहूँगा कि देश और दुनिया में आपका डंका बज रहा है, मोदी ग्रेट लीडर, लेकिन झारखंड आते आते डंका बीजेपी का फुस हो जाता है, मोदी जी का फुस हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं। झारखंड राज्य में संगठन है, मजबूत है, नेता भी हैं, लेकिन मुद्दे नहीं हैं, जैसे ना डोमिसाइल का मुद्दा, ना आरक्षण, ना नियोजन, ना सीएनटी एसपीटी, ना सरना धर्म कोड, ना संताली राजभाषा, तो ये मुद्दे नहीं हैं, तो आदिवासी मूलवासी आपके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन आदिवासी नेता तो है, नेता है, ठीक मुंडा है, बाबूलाल मरंडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, कड़िया मुंडा, लेकिन इनकी पहचान मुद्दों के साथ नहीं है। इन लोगों ने कभी भाषा आंदोलन, धर्म आंदोलन, सीएनटी एसपीटी आंदोलन, डोमिसाइल आंदोलन कुछ नहीं किया। आदिवासी नहीं है ये लोग नेता? नहीं, आदिवासी हैं, दिखने में आदिवासी, लेकिन दिल में पता नहीं, दिल का धड़कन आदिवासी वाला नहीं है, हार्ट बीट तो आदिवासी पहचान लेते हैं किसका किसका हार्ट बीट है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।